आदाब, नमस्कार। आजकल मैं आपको साहिर धानवी की तहरीर, साहिर धानवी की किताब, नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूं। आज इस किताब की तीसरी किस्त सुनिए। तीसरी किस्त। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के बाद मैं लुधियाना आ गया और 4-5 महीने तक घर ही पर रहा। उसके बाद अचानक प्रीतनगर की सालाना कॉन्फ्रेंस में मेरी और उसकी मुलाकात हो गई। कॉन्फ्रेंस में कोई 8-10 हजार मर्दों और औरतों का मजमा था। पंजाब के हर हिस्से से लोग इस अजीबोगरीब बस्ती को देखने के लिए आए थे, जिसके अहाते में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या गिरजा ताबीर करने की इजाजत नहीं, जहां के बासी मुश्तरका किचन में खाना खाते हैं और जहां की औरतें आजादी और बेबाकी के साथ घूमती फिरती हैं। जब सत्यार्थी पंडाल में दाखिल हुआ तो हुजूम में से बहुत से मर्दों ने उठकर उसके हाथ चूमे और बहुत सी औरतों ने उसके चरण छुए। सत्यार्थी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मुश्ताक और मोतकद नजरों के एक बहुत बड़े हुजूम में से गुजरता हुआ स्टेज के करीब जाकर बैठ गया। प्रोग्राम की पहली चीज एक ड्रामा था जिसे प्रीतनगर के तुलबा और तालिबात पेश कर रहे थे। ड्रामे के बाद पहले पंजाबी और फिर उर्दू मुशायरा था। सत्यार्थी ने भी एक पंजाबी नज्म सुनाई जिसका मफहूम कुछ यूं था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान तेरे हल लहू लुहान है, तेरा बदन चीथड़ों में लिपटा हुआ है, तेरी पोरों से खून बह रहा है, हिंदुस्तान सदियों का भूखा प्यासा उड़ीसा दम तोड़ रहा है, आसाम का बिहू नाच सूखे ढांचों के इर्तियाश जांकुनी में तब्दील हो गया है, बंगाल पर मौत के गिद्ध मंडला रहे हैं, कालीदास से कहो कि वो मेघदूत को उठाकर फेंक दे, उदय शंकर से कहो वो अजंता का रक्स बंद कर दे, आज चारों तरफ भूख है, मौत है, उरियानी है और इफलास है, महानदी की आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं और सदियों पुरानी बांसुरी के हलक में नगमे सूख गए। स्टेज पर खड़ा वो एक माफूकल बशर हस्ती दिखाई दे रहा था। उसकी शख्सियत एक मुफक्किर, एक सन्यासी और एक शायर की शख्सियत का मुरक्कब महसूस हो रही थी। वो अपनी नज्म में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों का जिक्र इस कामयाबी से कर रहा था कि सुनने वाले अपने आप को मस्कूरा खित्तों में सांस लेते महसूस करते थे। एक के बाद दूसरे खित्ते की आबादी अपने मखसूस तमद्दुन के पस मंजर में मखसूस लिबास पहने और मखसूस जबान बोलती आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों के सामने उभरती और फिर उफक के गोशों में गुम हो जाती। यह मुश्ताक अक्कासी सत्यार्थी की सालहा साल की रियाजत और हिंदुस्तान गर्दी का फल थी। मैंने महसूस किया कि हिंदुस्तान का कोई शायर, खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हिंदुस्तान की रूह का अक्स पेश करने में सत्यार्थी की हमअसरी नहीं कर सकता। पंजाबी मुशायरे के अख्ताम पर जब 15 मिनट का वक्फा दिया गया तो उर्दू प्रीत लड़ी के मुदीर मुआविन शमशेर सिंह खंजर ने मुझे बताया कि उर्दू मुशायरे के सदर अभी तशरीफ नहीं लाए। मैंने कहा शाम के वक्त मैंने डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी को यहां देखा था,
उनसे कहिए वो मुशायरे की सदारत कर लें। शमशेर सिंह खंजर एक टांग और एक लकड़ी के सहारे अख्तर हुसैन रायपुरी को ढूंढने चला गया। सत्यार्थी ने मेरे करीब आकर कहा, तुम शमशेर सिंह खंजर को कब से जानते हो? करीबन एक बरस से। मैं 6 बरस से जानता हूं और उससे एक सवाल करना चाहता हूं लेकिन हौसला नहीं होता। सत्यार्थी ने कहा, कौन सा सवाल? मैंने पूछा, मैं उसे पूछना चाहता हूं कि उसने अपना तखल्लुस खंजर टांग टूटने से पहले रखा था या बाद में? और फिर वो ओवरकोट की जेबों में हाथ डालकर हंसने लगा। सामने से एक पंजाबी शायरा आ रही थी। सत्यार्थी की हंसी एकदम संजीदगी में तब्दील हो गई और उसने फौरन ओवरकोट की जेबों से हाथ निकाल लिए। कहिए किधर जा रही हैं आप? उर्दू मुशायरा नहीं सुनिएगा? उसने शायरा को मुखातिब करते हुए कहा। जरूर सुनूंगी, शायरा बोली। बैठे बैठे कुछ थक सी गई थी इसलिए इधर चली आई। हाँ हाँ जरूर सुनिएगा, आज मैं भी अपनी एक उर्दू नज्म सुनाऊंगा। शायर, तुमने इनकी नज्म सुनी थी? जी हाँ, बहुत खूबसूरत नज्म थी और उसमें रवानी और शिद्दत और गहराई कितनी थी। वाह वाह वाह, मैं तो सोचता हूं कि मुझे शेर कहना तर्क कर देना चाहिए। सत्यार्थी बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? शायरा कहने लगी, आप तो इतना अच्छा लिखते हैं। जी हाँ, सत्यार्थी बोला, लेकिन वो बात पैदा नहीं होती। इतने में शमशेर सिंह खंजर वापस आ गया। उसने बताया कि अख्तर हुसैन रायपुरी वापस चले गए और शायरों की 3 टोलियां 3 मुख्तलिफ शायरों का नाम सदारत के लिए तजवीज कर रही हैं। मैंने पूछा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मैं कोई फैसला नहीं कर सका, वो बोला। शायरा मुस्कुराई और पूछने लगी, आपके यहां सदारत तक पर फसाद होते हैं? कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, मुझे जैसे उसकी सादगी पर प्यार आ गया। अभी शौरा के सामने ज्यादा अहम मकासद पैदा नहीं हुए, जब पैदा हो जाएंगे तो वो इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद कर देंगे। शायरा खामोश हो गई। मैंने पूछा, आप क्या हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? मैं क्या मदद कर सकती हूं, वो बोली। आप हमारे मुशायरे की सदारत कबूल फरमाइए। पर मैं तो पंजाबी जबान में लिखती हूं, यही तो एक अच्छी बात है। मैंने कहा, वरना जाहिर है कि एक मुशायरे के 3 सदर नहीं बनाए जा सकते। 2 गिरोह बहर सूरत नाराज होंगे, लेकिन यह भी तो मुमकिन है, वो बोली, कि मेरे सदर बनने से 3ों गिरोह खफा हो जाए। नहीं, आप लड़की हैं इसलिए ऐसा नहीं होगा, शमशेर सिंह खंजर बोला। शायरा कुछ महजूब सी हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। मैंने खंजर से कहा, आप जाकर स्टेट सेक्रेटरी को इनका नाम सदारत के लिए दे दीजिए। खंजर चला गया। खंजर चला गया
एक मिनट बाद शायरा भी चली गई। वो हरामजादे सत्यार्थी चीखा, फिर वो भी चला गया। मुझे उसका एक मजमून याद आ गया जिसमें उसने लिखा था, वेरी नाक के नीलगू पानी में थकन से चूर पांव डाले मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा नाहक खाना बदोशी में जाय कर दिया, नाहक लोकगीतों की तलाश में भटकता रहा, नाहक घाट घाट का पानी पीने ही को आदर्श बनाया, जिंदगी बर्बाद करता रहा। स्टेज पर खड़ा वो एक माफुकुल बशर हस्ती दिखाई दे रहा था, लेकिन स्टेज से उतरते ही वो फिर बशर बन गया। उसके सीने में जाती नाकामियों का दर्द जाग उठा था। उम्र का बेहतरीन हिस्सा जाय हो जाने का दर्द। मुशायरे से अगले दिन प्रीतनगर के कुछ बासियों की तरफ से उर्दू और पंजाबी के अदीबों को एक मुश्तरका पार्टी दी गई। शायरा और सत्यार्थी साथ साथ बैठे चाय पी रहे थे। चाय के साथ शायरी का दौर भी चल रहा था। सब शायरों ने एक एक नज्म सुनाई, लेकिन जब सत्यार्थी की बारी आई तो वो खामोश बैठा रहा। शायरा ने कहा, आप कुछ सुनाइए। छोड़िए जी, सत्यार्थी बोला, मेरी नज्मों में क्या रखा है, आप सुनाइए। सत्यार्थी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हादसा, एक कोने से आवाज आई। सत्यार्थी से हंसी जपना हो सकी, भक से उसका मुंह खुला और तमाम चाय दाढ़ी और कोट पर बिखर गई। वो मैले खाकी रुमाल से चेहरे पर ओट किए अपनी कुर्सी से उठा और नल पर जाकर मुंह धोने लगा। जब वो मुंह धोकर वापस आया तो उसका चेहरा बेहद उदास था। शायरा के साथ की कुर्सी खाली छोड़कर वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। तमाम वक्त उसने कोई बात ना की। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने सत्यार्थी से उसकी खामोशी का सबब पूछा तो वो बहुत दुखे हुए दिल के साथ कहने लगा, मैं मुहज़्ज़िब लोगों की सोसाइटी में बहुत कम बैठा हूं। मैंने अपनी तमाम उम्र किसानों और खाना बदोशों में गुजार दी और अब जब मुझे मॉडर्न किस्म की महफिलों में बैठना पड़ता है तो मैं घबरा जाता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझसे जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो आम समाजी नुक्ते नजर से अच्छी नहीं समझी जाती। मुझे सत्यार्थी की इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। लोकगीतों की तलाश में उसने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा था, अनगिनत लोगों के सामने दामन फैलाया था, बीसियों किस्म की बोलियां सीखी थी, किसानों के साथ किसान और खाना बदोशों के साथ खाना बदोश बनकर अपनी जवानी की उमंगों भरी रातों का गला घोंट दिया था, लेकिन इस सारी काबिश और सारी मेहनत सारी कुर्बानी के सिलसिले में उसे क्या मिला, एक नीम फाका कश जिंदगी और एक ना आसूदा दिल। तो ये थी तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी चौथी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।